स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं फैटी लिवर डिसीज पर। क्या होता है फैटी लिवर डिसीज, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस कारण से होता है? एक सर्वे के अकॉर्डिंग 38% ऑफ इंडियंस नॉन फैटी लिवर डिसीज के शिकार है। वहीं अगर देखा जाए तो इसी रिपोर्ट के हिसाब से 60% केसेस जो है फैटी लिवर डिसीज के बढ़ रहे हैं। हमारा लिवर हमारी बॉडी को संचालित करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर इस लिवर में ही अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारे बॉडी के हर पार्ट में समस्या आने का डर रहता है। तो क्या होता है फैटी लिवर डिसीज, क्या सिम्टम्स होते हैं, और कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? आज इस कार्यक्रम में ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवयानी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो मैम, जैसे कि हम आज चर्चा करने वाले हैं फैटी लिवर डिसीज पर, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि फैटी लिवर डिसीज आखिर होती क्या है, और कैसे किसी व्यक्ति को पता लगे कि उसके लिवर में जो है फैट आने लग गया है और उसको अपने बीमारी को क्योर करने के लिए अब अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक लिया हुआ है फैटी लिवर, अगर आप रिसर्च में जाओगे देखोगे तो 60% पॉपुलेशन में फैटी लिवर आजकल घर घर में बढ़ गया है। अब हमें ये जानना है कि फैटी लिवर खराब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आजकल के लाइफस्टाइल, सेडेटरी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट, इसमें दो रोल काम करता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतना भागते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और वही स्ट्रेस लेवल में अगर हमें माइग्रेन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, या कहीं हमें एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम, या फिर हमें थकावट सी महसूस होती है, तो इमीजिएटली लोग एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल कोई भी आप दवाई ले लेते हो, या फिर अगर बहुत हो रहा है तो पेन किलर का इस्तेमाल लेते हैं। अब ये छोटी छोटी बीमारी पे जब इंसान पेन किलर के डोजेस बढ़ा देता है, फिर वहाँ से वो स्टेरॉइड पे जाता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ के ये लेवल बढ़ने लगता है। तो ये जो दवाइयाँ हम बार बार लेते हैं, उसी वजह से हमारे लीवर पे प्रभाव कैसा आता है, हैवीनेस का प्रभाव आता है, और धीरे धीरे लीवर खराब होने लगता है। अब आता है कि लीवर क्या रोल करता है, इतना क्यों है, क्योंकि लीवर को जिगर बोला गया है, राइट? तो पहले हार्ट का नहीं था, लेकिन लीवर के बारे में बहुत बोला जाता था, तो अभी अभी हार्ट के बारे में, लेकिन लीवर इतना क्यों इम्पॉर्टेंट रोल है? तो देखिए, लीवर यानी एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। शरीर के अंदर गंदगी जो जमा हो जाती है उसको निकालने के लिए लीवर बहुत ही बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एक केमिकल प्रोसेसिंग का काम करता है, एनर्जी को देने का काम करता है। जो हम अन्न को खाते हैं तो ये अन्न लार के द्वारा नीचे तक जाता है, पाचन तक जाता है, उसके बाद लीवर का कार्य शुरू हो जाता है। अब जब प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, इन सभी को एनर्जी देना, इन सभी में से कौन सी गंदगी वाला पदार्थ है उसको निकालना, न्यूट्रिशन को रखना, और फिर जब आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जब आप अन्न को ग्रहण नहीं करते हो लेकिन फिर भी आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तब आपको ये लीवर काम करता है। तो कहने का मतलब है एक सिक्योरिटी का काम आपका लीवर करता है, और यही लीवर पूरे शरीर में सब कुछ पाचन के रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है उसका काम ये लीवर का करता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में काम करता है, लीवर डायबिटीज मैनेजमेंट में काम करता है, लीवर हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करने में काम करता है, और लीवर विटामिन डी में भी काम करता है, और दूसरा लीवर आपके पूरे तंत्र में वो स्किन, हेयर, एवरीथिंग
जो भी है उसमें कार्य लीवर करता है। तो इसीलिए लीवर को हम खास तरीके से बोलते हैं, क्योंकि कभी भी फैटी लीवर हो जाता है वो ग्रेड वन है तो हमें पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे हम जानेंगे कि लीवर इतना सारा कार्य करता है, चयापचन की क्रिया में काम करता है, और दूसरा वेट बहुत आजकल बढ़ने लगा है लोगों को और वो लूज नहीं होता है, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाता है, लेकिन हम केवल वेट पे ध्यान देते हैं, लीवर पे ध्यान नहीं देते। तो आज हम समझेंगे कि लीवर मैनेजमेंट अच्छा करना है, फैटी लीवर नहीं करना है और स्वस्थ लीवर रखना है, तो उस पर खान पान, स्ट्रेस और कौन सी नेचुरोपैथ के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा लीवर स्वस्थ रहे। जी तो मैम, इसके कारण को जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लीवर की जो ये बीमारी है, क्या ये किसी कैटेगरीज में भी हो सकती है, मतलब कई प्रकार की बीमारी हो सकती है इसमें? जैसे मैंने आपको बोला कि एक होती है फैटी लीवर यानी कि अल्कोहलिक, और दूसरी होती है नॉन अल्कोहलिक। जो लोग तले भुने पदार्थ बहुत का सेवन करते हैं, शराब आजकल एक फैशन हो गया है, कोई भी पार्टी जाओ अल्कोहल को इजीली लेने को बोलते हैं, और गरिष्ठ भोजन, ध्यान रखिए, जब आप तला भुना या पैकेट फूड घर घर में या बच्चों के हाथ में या कहीं ना कहीं आप जाते हो, फटाक से आपको वो पैकेट फूड मिल जाता है या रेडी टू ईट मिल जाता है, राइट? तो वो जब जब आप लेते हो तो वो क्या हो जाता है कि वो अल्कोहलिक में कार्य करता है, यानी कि एक होता है अल्कोहलिक लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। तो जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, सेडेंटरी लाइफ सिस्टम हो जाती है, तब आपका नॉन अल्कोहलिक हो जाता है। उसमें ये हुए दो प्रकार, उसमें भी ग्रेड के वाइज हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे होता है फैटी लीवर, फैटी लीवर। अब नाम से आपको पता चलेगा फैट का मतलब है वसा। तो हमारा जो लीवर है, अब सभी को पता होगा लीवर हमारे राइट साइड पे है, राइट का मतलब है राइट खाओ, राइट कार्य करो, राइट? तो राइट साइड पे हमारा एब्डोमन के नीचे राइट साइड पे हमारा लीवर आया हुआ है, जो जब लीवर के ऊपर एक पान शेप का है आकार उसका, उसके ऊपर जब गंदगी बढ़ जाती है तो वो टॉक्सिन्स हो जाता है और उसे कहते हैं फैटी लीवर, क्योंकि फैट हो गया है, उसके बाहर की लेवल पे फैट हो गया है। जब फैटी लीवर के बाद सेकंड स्टेज में आता है लीवर फाइब्रोसिस, यानी कि लीवर के आसपास, लीवर सभी कार्य करता है तो लीवर के आसपास अनक सेल है, वेसल्स है, तो वहाँ पे जब गंदगी हो जाती है तो वो रक्त का प्रवाह भी गंदा ही करता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ रक्त खराब जाएगा वहाँ वहाँ गंदगी बढ़ जाएगी, तो दूसरा है लीवर फाइब्रोसिस। देन आता है सोराइसिस ऑफ लीवर आ जाता है, या उसके बाद आता है कि पानी भर जाता है, और लास्ट में आता है कैंसर की पोजीशन में ये जा सकता है। जी तो मैम, फैटी लिवर डिसीज़ के यहाँ पे आपने इतने सारे प्रकार बता दिए कि क्या क्या लिवर डिसीज़ हमें हो सकती हैं, तो क्या केवल खान पान के कारण ही हो रहा है या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं? देखिए, पहला है खान पीन, जो आप अन्न को ग्रहण करते हो। एक बात ध्यान रखिए, हम अन्न को ग्रहण करते हैं मुंह के द्वार से, ठीक है? तो मुंह में सलाइवा, तो लीवर एक एंजाइम का केमिकल का कार्य करता है। तो जैसे आप फूड से, हमारा अन्न पाचन होता है लार, सलाइवा से पाचन की शुरुआत होने लगती है। हम सोचते भीतर में जाने के बाद, नहीं, जैसे ही आपका अन्न मुंह में जाता है, इसीलिए बुजुर्ग बोलते हैं आपके दांत कितने हैं, 32 है तो 32 बार चबाइए, अगर आपके दांत 20 है तो 20 मिनट, यानी कि 15 से 20 मिनट चबाने को क्यों बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे ही अगर आप धीरे धीरे चबाते हो तो सलाइवा में वो घुल जाता है और वो ब्रेक डाउन होके आगे की ओर जाता है। तो समझना ये है कि जब हमारा फूड, हम ऐसा अन्न ग्रहण करते हैं कि जिस वजह से पाचन यहाँ पे नहीं होता है, सीधा नीचे की ओर चला जाता है, तो फूड इज मेन कैटेगरी। दूसरा रेडी टू ईट जो फूड आने लगा है, प्रोसेस फूड आने लगा है, रिफाइंड, राइट? वो सारा क्या करता है, गंदगी को भीतर में डालता है। जब गंदगी भीतर में जाएंगी, वी कॉल अ टॉक्सिन,
वी कॉल डिटॉक्सिव आपको करना है, शरीर में से गंदगी को निकालना है। तो वो जो गंदगी जो आता है पहले फूड से, क्योंकि आदमी फूड से ही अट्रैक्ट होता है और बीमार भी क्यों पड़ता है, फूड की वजह से ही बीमार पड़ते हैं। तो ये एक रीज़न हुआ। सेकंड है लाइफस्टाइल। कभी भी आप उठे, कभी भी सोए, कभी भी खाया, कभी भी हमने नहीं खाया, मान लो आप काम में बहुत बिजी हो गए और आपका समय हो गया, आपको क्रेविंग्स आ रहे हैं, आपको अंदर से बिल्ली बोल रही है कि हाँ मुझे फूड दो, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे नहीं लेट मी फिनिश दिस वर्क, अरे लेट मी फिनिश दिस मीटिंग, या फिर कोई आ गया आपके पास कंसल्टेशन के लिए, अरे लेट मी फिनिश दिस कंसल्टेशन, तो वो लंबा चलता है। तो अब वो भूख मर गई। अब क्या होता है, आपको अंदर से शरीर आवाज़ देता है लेकिन हम वो आवाज़ को सुनते नहीं है और उस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब आता है कि अगर आप बैठालू जीवन में हो, अगर आप क्या लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल में जा रहा है, यानी कि टू मच आपको कार्य दिमाग से करना पड़ता है, ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस लेता है, लेकिन आप क्या डालते हो, जंक फूड डालते हो, आप क्या ले लेते हो, इंस्टेड ऑफ वाटर आप शराब ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ वाटर आप कोको कोला या एनी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हो, तो वो भी क्या करता है, लीवर को तो डैमेज करता है लेकिन आपके ब्रेन में, आपके दूसरे पार्ट में भी डैमेज होता है। तो एक हुआ स्ट्रेस भी। अगर आपको पता चला कि मेरा बैठालू जीवन है, ये स्ट्रेस वाला है, लेकिन ना तो आप मेडिटेशन करते हो, ना तो फोकस करते हो, ना तो आप कोई भी तरह का व्यायाम करते हो, तो फिर भी ये एक कारण है उसका कि लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि अन्न को पचाना है आपको। तो आपको अगर आपने मान लो गरिष्ठ भोजन लिया एग्जाम्पल, लेकिन फटाक से आप डेस्क पे बैठ गए और काम करने लगे, अब पचेगा कैसे, और उसके ऊपर आपके दो घंटे के बाद वापस चाय कॉफ़ी आ जाती है या फिर पकोड़े आ जाते हैं या व्हाटएवर आ जाता है। तो ऑलरेडी एक अन्न है, उसके ऊपर आपने दूसरा अन्न किया, फिर तीसरा अन्न, तो शरीर में अन्न आता गया और फाइनली क्या होता गया, गंदगी बढ़ती गई। तो ये एक बेसिक कारण है। ऐसे बहुत से अदर कारण भी है, लेकिन ये कारण से ही हमें पता चलता है कि हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है, फूड हैबिट को चेंज करना है, और थोड़ा सा योगासन और ध्यान पे भी ध्यान लगाना है। तो मैम, जैसे कि आपने फैटी लिवर डिसीज़ के जो कारण बताया, तो उसमें सबसे पहला तो खान पान ही है कि हमें अपने खान पान को चेंज करना है। तो मैम, क्या खान पान हम अपना सकते हैं इस फैटी लिवर डिसीज़ की समस्या से निजात पाने के लिए? अब सबसे पहला एक ध्यान रखना है कि जब जब आपको, बहुत कॉमन मैं बता देती हूँ कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो, ऑफिस हो या वर्क प्लेस हो या घर पे हो, जब आपके भीतर से आवाज़ आती है कि मुझे अन्न को ग्रहण करना है, तो कोशिश कीजिए नेचुरल यानी कि जो कुदरत से बना हुआ है उसका कंज्यूम कीजिए, रेदर देन द पैक वाले फूड। तो ऐसे कौन से फूड हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हो तो पाचन नहीं होता, तो एसिडिटी इट्स अ मेजर रोल है, जो आजकल सभी को बर्पिंग होता है, एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और फिर बाद में थकान सी महसूस होने लगती है या हेडेक होने लगता है, ये हमें नॉर्मल लगता है राइट, लेकिन एसिडिटी को ध्यान रखना। जिन जिन लोगों को बर्पिंग का या एसिडिटी का प्रॉब्लम्स है, थकान हो रही है, वो सावध हो जाइए, मस्ट बी लीवर डैमेज की साइड आप जा रहे हो, फैटी लीवर की ओर जा रहे हो। पेट फूला हुआ है तो समझ जाइए, भारीपन लग रहा है तो समझ जाइए कि ये भी है। तो एसिडिटी बढ़ जाती है तो वैसे एसिड पित्त वाले, क्योंकि लीवर क्या काम करता है, गॉल ब्लैडर को भी आगे भेजता है कि अन्न का पाचन हो गया तो उसको ये करो, तो वो गॉल ब्लैडर में जब हमारे स्टोन हो जाते हैं, वो भी एक कारण है कि लीवर में वसा हो गया, इसी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पित्त, हाँ तो पित्त के रिलेटेड जो भी फूड है वो आपको कम करने देना है। दूसरा, अगर आपको पता है आपका बैठालू जीवन है, तो ग्लाइसेमिक, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आपको लेना है, जैसे कि मिलेट्स। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ, मिलेट्स इट्स में फाइबर अचूर मात्रा में है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है और उसमें पानी का तत्व भी है,
राइट। तो मिलेट्स को जब आप प्रयोग में लेते हो, कौन कौन से मिलेट्स ले सकते हो? आप ले सकते हो बाजरा, ले सकते हो ओट्स, ले सकते हो या फिर आप कोडो मिलेट्स ले सकते हो, पर्ल मिलेट्स ले सकते हो। तो जब आप मिलेट्स का प्रयोग करते हो तो वो भी आपको इंस्टेड ऑफ, आप अगर गेहूं खाते हो तो आप रिप्लेस कर दीजिए। अब इसमें आप वैरायटी अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको गेहूं खाना है तो मोटा अनाज, राइट, जो बोलते हैं ना गुजरात में भाखरी खाते हैं, हाँ, लड्डू आप बनाते हो गणपति के टाइम, तो वो आप मोटा अनाज ले लीजिए, हाँ, तो वो गेहूं चल सकता है, लेकिन रिफाइंड वाला जो होता है वो नहीं लेना है। दूसरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आप खास ध्यान रखिए। फ्रूट्स में आपको ध्यान रखना है सभी तरह के फ्रूट्स, लेकिन दो तीन फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ, जिसमें पहला है एप्पल, राइट। तो एप्पल का कंज्यूम आप हरे किस्म में कीजिए, जब भी आपको भूख लगती है एप्पल खाइए, तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। ग्रेप्स सीजन वाइज ईश्वर ने हमें दिए हुए, उसका कंज्यूम कीजिए, तो ग्रेप्स आपके पास है। दूसरा, आपके पास पपैया है तो वो भी आप ले सकते हो, राइट। अब मैं बात करूंगी कि वेजिटेबल्स में कौन सा ले सकते हैं। तो लौकी, कुदरत ने बहुत बड़ी वरदान हम बोल सकते हैं लौकी, हाँ, ये लौकी का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके भीतर में फैटी लिवर तो होगा कम, लेकिन दूसरा भी इफेक्ट इतना करेगा कि शरीर में फैट जहाँ जहाँ हो गया उसको भी रिलीज करने का काम करेगा। तो लौकी है, टिंडा है, परवर है, उसका आप स्टार्ट कर दीजिए कंज्यूम करना। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स पे हम हमेशा करते हैं कि ग्रीन स्मूदी पीजिए, ग्रीन जूस पीजिए, पालक है, मेथी है, फिर आपको आता है सरसों की सब्जी है वो आप ले सकते हो, एक आता है कैरोट एंड बीट रूट, वो आपको बहुत फायदा कर सकता है, अगर आपको फैटी लिवर है तब आपको फायदा कर सकता है। और स्पाइसेस में हल्दी, इन्फ्लामेशन, फैटी लिवर का मतलब है कि लीवर के ऊपर सूजन आ गई है, फैट बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है, इन्फ्लामेशन को कम करना है, तो हल्दी का प्रयोग अपने खान पीन में अचूर मात्रा में कीजिए। हल्दी को ऐसे खाइए या फिर आजकल तो हल्दी लाटे भी मिलने लगी हुए, हल्दी का आप फ्रेश हल्दी मिलती है तो उसको भी आप आंवले के साथ आप मिक्स कर दीजिए और एक कंज्यूम कर दीजिए। जिंजर भी है, सिनेमन भी आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्पाइसेस को भी ले सकते हो। अब फैट है तो एक क्वेश्चन आता है, क्या मैम हम घी खा सकते हैं? यस, आप गाय का घी खा सकते हो, लेकिन अगेन बात ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपका जीवन कैसा है, क्या मैं कैलोरी को बर्न करती हूँ या करता हूँ, क्या मेरा जीवन बैठालू है, क्या मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, कैसे। तो आप कंज्यूम कर सकते हो मक्खन भी, वाइट मक्खन जो घर पे बना हुआ है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना है उसको कैलोरी को बर्न करना पड़ेगा। तो आप घी भी खा सकते हो मक्खन, क्योंकि फैट भी हमें ज़रूरी है। वॉलनट में फैट बहुत अच्छा है तो आप वॉलनट का कंज्यूम कीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऐसे तत्व है कि जो आपको मिनरल्स एंड विटामिंस जो लीवर में है वही पोषण आपको दे सकता है, तो वॉलनट इज़ बेस्ट। फ्लैक्सीड एंड सनफ्लावर सीड, ये दो भी बहुत ही अच्छे हैं, तो इसका भी आप कंज्यूम कर सकते हो। अब एक आता है, मैं आपको एक रेसिपी देती हूँ, एक है भूमि आंवला, और उसके अंदर गिलोय को मिक्स कर दीजिए, भूमि आंवला और गिलोय की स्टिक्स है उसको मिक्स कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए और वो पाउडर को आप कंज्यूम कर सकते हो, आइदर डिटॉक्स वाटर की तरह कंज्यूम कर लीजिए, पानी में डाइल्यूट करके कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी पाउडर आप खा सकते हो। तो ये जब आप करते हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि किस तरह से मेरे भीतर में जो फैट है उसका रिडक्शन होने लगा है। और लास्ट में, लोगों को चाय पीने की बहुत आदत होती है तो इसमें शुगर को कम कीजिए, दूध के पदार्थ उसको कम कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ शुगर और दूध से आप क्या कर सकते हो, आप डिटॉक्स वाटर बनाना शुरू कर दीजिए। ग्रीन टी ध्यान रखिए, इट्स अमेजिंग, ग्रीन टी बहुत ही बढ़िया काम करती है अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो, या लीवर को आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सी थकानी है या फिर मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है या मेरे शरीर में PCOS है या फिर हॉर्मोन, राइट, इन गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, तो ग्रीन टी इज़ अ वेरी नाइस। कैसे कंज्यूम करना है ग्रीन टी को, आप खाना खाने के एक घंटे के बाद आप ग्रीन टी को लीजिए, दिन में दो बार आप ग्रीन टी को कंज्यूम कर सकते हो। और
एक और आपको टी बता देती हूँ, उसका रेशियो कैसे करना है आपको। हाफ टीस्पून आपको मेथी दाना लेना है, हाफ टीस्पून हल्दी, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वेरी नाइस, नहीं है तो हल्दी पाउडर डाल दीजिए। देन 1 टीस्पून लेमन को स्क्वीज दीजिए और 1 ग्लास पानी ले लीजिए। बस उसको अच्छी तरह से 1 ग्लास पानी को उबाल दीजिए, हाफ कर दीजिए, उसके बाद ये जो टी बन गई है उसका आप कंज्यूम कर लीजिए। तो इस तरह से बस एक ध्यान रखना है हमें कि हमारे लाइफ में जो नेचर ने दिया हुआ वो बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से आप फूड को इंटेक कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आप फैटी लिवर से बाहर निकल सकते हो। जी मैम, फैटी लिवर डिसीज़ के लिए फूड तो आपने यहाँ पे बता दिया, तो अगला हम जानना चाहेंगे योग आसन प्राणायाम के बारे में कि क्या क्या आसन हम कर सकते हैं इस डिसीज़ को दूर करने के लिए। अब देखिए, योग आसन प्राणायाम बहुत ही इसमें बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि सूजन को निकालना है, गंदगी को निकालना है। तो एक है फूड के द्वारा हमने टॉक्सिन्स को रिलीज़ किया, अब दूसरा आता है हम आसनों के द्वारा कर सकते हैं। तो कौन से योग आसन? पहला है बालक आसन, मंडूकासन, भुजंग आसन, फिर आता है अधोमुखासन यानी के माउंटेन पोजीशन, या फिर आप पर्वतासन भी बोल सकते हो, वो आप कर सकते हो, राइट। तो जिस ये सब आप जब आप धीरे धीरे आसन करते हो तो आपको फ़ायदा मिलने लगेगा, स्वालन धीरे धीरे कम होगी, स्ट्रेंथनिंग आपके शरीर में आते जाएगी और इम्यूनिटी, खास ध्यान रखिए, हर बार लोगों की कंप्लेन होती है कि इम्यूनिटी कम हो गई है, तो एक बात ध्यान रखना कहीं लीवर में तो गड़बड़ी नहीं है। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, जब आपको लगता है मेरा शुगर अप एंड डाउन हो रहा है, तो जस्ट ध्यान रखिए मेरे लीवर की तरफ भी मुझे ध्यान देंगे। तो जब आप ये योग आसन स्टार्ट करते हो, केवल 4-5 आसन हर रोज कीजिए, लाइक भुजंग आसन और माउंटेन पोजिशन, दोनों को कंबाइन कीजिए और कीजिए, फिर आप देख सकते हो आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा, बेली फैट, हाँ, एब्डोमन में जो भारीपन हो गया, एब्डोमन जो सूज गया है, उस पर भी रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये है आसन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी करें? देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं? प्राण ऊर्जा जब शरीर में कम हो जाती है तब टॉक्सिन्स ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि वायु, जब वायु आपके शरीर में भर जाता है तो वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ खालीपन होगा वहाँ पे वो घुस जाएगा। तो उसको रिलीज करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं? कपाल भाती क्रिया है ये। तो कपाल भाती क्रिया, अगर आपको फैटी लीवर है, अगर आपको फाइब्रोसिस है, तो ध्यान रखिए जोर जोर से नहीं करना है, ऑलरेडी आपके भीतर में सूजन है, तो क्या कीजिए, स्ट्रोक्स वेरी स्लोली स्लोली आप स्टार्ट कीजिए, वेरी स्लोली स्लोली जेंटली कपाल भाती आपको क्रिया करनी है। नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, सांस को निकालना है। तो बेस्ट है कपाल भाती क्रिया। दूसरी है अग्निसार क्रिया, वो आप कर सकते हो, और उड़ियान बंध, ये 3 जब आप करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि मेरे शरीर से टॉक्सिन्स धीरे धीरे रिलीज हो रहा है और भीतर में ऊर्जा बढ़ रही है, वैसा आपको महसूस होगा। और सूर्य, हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको आप केवल सांस को भरिए राइट नॉस्ट्रिल से, उसके बाद होल्ड कीजिए और उसके बाद रिलीज कीजिए, राइट। तो जब आप सूर्य नाड़ी पे भी कार्य करते हो तो वो भी फैटी लिवर को बहुत इफेक्ट काम करता है। जी मैम, फैटी लिवर डिसीज़ को दूर करने के लिए क्या ध्यान भी हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली। अब देखिए, जब स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ जाता है, राइट, तो उसको कैसे मैनेज, स्ट्रेस से काफ़ी सारी बीमारियां, और लीवर एक डैमेज होने से 600 से भी ज़्यादा फंक्शनिंग पे वो इफेक्ट करता है, उस पर मेन फंक्शन हमारा ब्रेन भी है, राइट। तो हम सोचते हैं अरे डेफिनेटली गुड, तो अगर हमें मन को शांत करना है, अगर हम मन को शांत करेंगे तो हमारा जो फूड के क्रेविंग्स आ रहे हैं, हम जो बार बार छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होने लगते हैं, तो वो सब कुछ निकाल सकता है केवल ध्यान। तो आनापान सती ध्यान आप कर सकते हो, और जब आप आनापान सती ध्यान करते हो तो मणिपुर चक्र पे कंसंट्रेशन कीजिए, और इतना गहरा ध्यान होता है कि एक लेज़र की तरह आपको क्या करना है, उस पे ट्रिगर पॉइंट करना है। राइट साइड पे लीवर है तो एक आपको क्या करना है, वहाँ पे कंसंट्रेशन करना है, पहले दोनों नॉस्ट्रिल पे कंसंट्रेशन कीजिए
और उसके बाद धीरे धीरे मणिपुर चक्र पे आइए और उसके बाद लीवर राइट साइड पे, वहाँ पे आप ध्यान कीजिए और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे जा रहा है और धीरे धीरे मेरा जो फैट हो गया है लीवर के आसपास उसको आप ब्रेक कर रहे हो सांसों के माध्यम से। जो गंदगी आ गई है, जो मैं बार बार कुछ भी खाता हूँ, बार बार कुछ भी नहीं करता हूँ और केवल चिंता चिंता में रहता हूँ, वो सारा धीरे धीरे आपका रिलीज होने लगे। तो ध्यान से आप बहुत सारे धीरे धीरे आप ध्यान करते रहोगे। 21 दिन का टारगेट पहले रखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए, 41 डेज का टारगेट कीजिए और आप देख सकते हो लीवर तो हो जाएगा लेकिन साथ में एक आपके शरीर में ग्लो दिखाई देगा, आपके में भीतर में एक ठहराव जैसा लगने लगेगा। जो हम चिंता चिंता करते थे ना, और जो खाने में, तो अब आपको पता चलने लगेगा सही खाना कौन सा है मेरे लिए और मुझे क्या करना है। आपको खुद को कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, डू दिस वन, ये टैबलेट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे भीतर में एसिड बहुत बढ़ने लगा है, फटाक से आप सांसों पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ध्यान रखोगे, देखोगे मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मेरा चंद्र बढ़ने लगा है, तो उस पे आप ध्यान रखोगे, तो चंद्र पे कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी एसिडिटी भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट और मन को शांत करना है, तनाव से रिलीज होना है, तो ध्यान बहुत ही काम करता है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। जी मैम, फैटी लिवर डिसीज़ पे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं हमारे दर्शकों को, तो मैं आशा करती हूँ कि उनकी ये बीमारी ज़रूर दूर होगी और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। तो मैम, इस कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारी देने के लिए फैटी लिवर डिसीज़ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की फैटी लिवर डिसीज़ पर, क्या होती है फैटी लिवर डिसीज़, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे अपने खान पान को चेंज करके, अपने जीवन में योग, आसन, प्राणायाम करके और ध्यान को अपनाकर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC.